जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, अब आपके घर की कलह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैं बताऊंगी अगर वैसे आप करोगे तो निश्चित ही कलह ख़त्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, करना क्या है आपको, मंदिरों में हम कई कई घंटे लाइन में लगकर प्रसाद लेते हैं। वो प्रसाद क्यों इतना पवित्र होता है, क्योंकि वहाँ पे भगवान के नाम का उच्चारण चलता रहता है, भजन होते रहते हैं दिन भर, तो उसकी वाइब्रेशन से, उस ऊर्जा से वो वहाँ पे जो भी खाना बनता है, जो भी मतलब प्रसाद बनता है, वो अमृत के समान हो जाता है। इसीलिए उस प्रसाद को हम कई कई घंटे लाइन में लग कर भी लेते हैं कि ये मतलब भगवान का प्रसाद है, अमृत है, और हमें इसको ग्रहण करना है। प्यारे भक्तों, अगर आप चाहें तो वो प्रसाद आपके घर में भी बन सकता है, जैसा मंदिर में होता है वैसा ही आपका घर भी मंदिर के समान पवित्र बन सकता है। आपको करना क्या है, एक तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी नए भक्तजन हैं या पुराने भी हैं, सबसे ज़्यादा अपने घर में राम नाम का जप करें। जप नहीं करें तो कोई भी राम नाम की धुन चला दे, राम नाम की चैंटिंग चला दे, राम नाम का जप चलता रहे पूरे दिन, कहीं टीवी में चला दो, कहीं फ़ोन में चला दो, तो उससे वो वाइब्रेशन फैलती रहेगी, फैलती रहेगी। जितना ज़्यादा उसका उच्चारण होगा, जितना ज़्यादा वो चलेगा, उतनी ही दूर तक, जहाँ जहाँ तक उसकी तरंगे जाएंगी ऊर्जा की, तो उतना ही आपका घर पवित्र हो जाएगा। और एक बात सबसे बड़ी मैं आपको ये बता देती हूँ, घर में कलह का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि औरतें जब खाना बनाती हैं तो मन में कुछ विचार चलते हैं, बुरे चलते हैं, या फिर लड़ाई झगड़े के चलते हैं, या दिन में सास से कुछ हो गया, ननद से कुछ हो गया, या पति से कुछ हो गया, उसके बारे में सोचते हुए खाना बनाती हैं, और फिर मन में कोसती भी हैं उनको, उनको गालियाँ भी देती हैं कई बार। तो अगर इस तरह से खाना बनाओगे आप, तो उस खाने में इतनी जो ऊर्जा जाएगी, वो कैसी ऊर्जा जाएगी, जो आपके मन में भाव चल रहा है, मतलब द्वेष का चल रहा है, लड़ाई का चल रहा है, झगड़े का चल रहा है, या आपके प्रति, उनके प्रति कोई घृणा है आपके मन में, तो निश्चित ही उस खाने में वो ऊर्जा जाएगी, और फिर वो खाना बढ़िया भी नहीं बनेगा, ये पक्की बात है, वो खाना बढ़िया बन ही नहीं सकता। फिर जो उस खाने को खाएगा, उस भोजन को, उसके मन में भी यही विचार आएंगे, और फिर लड़ाई का कारण बनेगा, झगड़े का कारण बनेगा। तो मैं सभी माताओं बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप जब भी भोजन बनाएं, रसोई में जाएं, सबसे पहले तो शांत मन से भगवान को याद करें और उसके ऊपर अर्पण कर दें, हे भगवान, हे राम, मैं कुछ नहीं जानती, ना मुझे कुछ बनाना आता है, तू ही बनाएगा, तू ही बनवाएगा, और फिर आप भोजन बनाना शुरू कर दें और मन ही मन राम नाम का जाप करते रहें, तो इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनेगा और आपका नाम जप भी होगा। तब बहनों को मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त स्वादिष्ट खाना बनेगा और उस खाने में बरकत होगी, और उस खाने को खाकर सभी घर के लोग खुश होंगे, और जब वो खुश होंगे तो हमेशा हमेशा के लिए लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न तुम खाओगे मन वैसा ही होता है। तो आप ये छोटा सा कार्य करें और आपकी तारीफ होगी ऊपर से, क्योंकि जब आप खाना स्वादिष्ट बनाओगे भोजन, तो सब आपकी तारीफ करेंगे, वाह क्या भोजन बनाया, आज तो उंगलियां चाटते ही रह गए हम, तो कितना उस समय कितनी खुशी होती है जब आपकी तारीफ होगी। तो करना कुछ भी नहीं है, फ्री का काम है, क्योंकि देखो खाना सबको, सबके हाथ में वो टेस्ट नहीं होता, लेकिन आप भगवान पे अर्पण करके, भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाओगे, तो वो भोजन निश्चित ही स्वादिष्ट बनेगा, और रसोई में जो आपने भोजन पकाया है वो भोजन कम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने भगवान के ऊपर अर्पण कर दिया था बनाने से पहले।
तो ये छोटा सा कार्य करें, अपने घर को मंदिर समान बनाएं और अपने घर की लड़ाई कलह को हमेशा हमेशा के लिए दूर भगाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।